अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एतजाज़ अहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसनोलॉजी फॉर टेक। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। और यार मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों के लिए एक ऐसा पीसी तैयार किया जाए जिसमें एडिटिंग भी हो सके और प्लस गेमिंग भी हो सके। तो कार्ड्स मेरे पास पड़े हुए थे, वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज हम लोग जो है ना वो एक पीसी तैयार करने वाले हैं। एक बहुत अच्छे मेरे भाई हैं, उनको पीसी देना है। उनको एडिटिंग के लिए भी चाहिए, गेमिंग के लिए भी चाहिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए भी चाहिए, मतलब मल्टीपल काम हो और प्राइस भी कम हो। तो उनके लिए पीसी मैंने निकाला है, आज हम उसको तैयार करेंगे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये वो ज़ियोन वाला सिस्टम है, ये हमारे पास अवेलेबल था। इसके अंदर i7 फोर जनरेशन का मैंने प्रोसेसर लगा दिया। आपको यहाँ पर इसका मॉडल नज़र आ रहा होगा, T1700। और अगर चीज़ों की बात करूँ तो भाई इसमें उनको लगा के देनी है 1 TB की हार्ड है। और यहाँ पर आप देखो क्वाड्रो का 4000 है। ये अभी चेक करेंगे, अगर अच्छा काम किया तो वो कहते मैं आपसे ले लूँगा। 16 GB रैम है और 256 SSD है। अगर मैं आपको PC दिखाऊं तो ये वही PC है भाई। इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस PC को काफ़ी ज़्यादा सेल किया है। इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस जो हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं, आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखो कि इसके अंदर जो सप्लाई है वो 365 वॉट की है। और इसके अंदर आपको एक बिल्ट इन 6-पिन कनेक्टर मिल जाता है, जो कि ब्रांडेड के अंदर रहते हुए ही आपको कनेक्टर मिलता है। और भाई जब से मैंने इस PC की वीडियो लगाई है मुझे इतने मैसेज आते हैं कि एहसन भाई ये PC अवेलेबल है। तो अभी कुछ PC रह गए हैं और फिर ये वाइप आउट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, या ख़त्म हो जाएंगे या इनके प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसे PC हैं। तो अभी कुछ ही पीस हैं, ये एक भाई को दूंगा तो शायद इसके बाद 2-1 पीस मेरे पास और बचेंगे। तो अगर आप ये पीस लेना चाहते हो तो देर मत करो, प्राइस जो है वो भी आपको अच्छी मिल जाएगी। अब चलते हैं हम अपने इस PC की तरफ, इसको जल्दी से मैं तैयार कर लेता हूँ, फिर हम इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं और देखते हैं कि गेमिंग में ये कैसा काम करता है। और एडिटिंग सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं है, ये PC मैंने उन्हें कहा है आप मुझसे ले जाना और प्रीमियर प्रो वगैरह देख लेना चला के, अगर अच्छा चल गया तो रख लेना, नहीं तो मुझे कार्ड वापस करवा के कोई और कार्ड ले जाना। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार फाइनली मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया और मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी सामान शिफ्ट कर लेते, क्योंकि इसके अंदर हमने गेम्स भी काफी चेक करनी है, बाकी परफॉर्मेंस भी देखनी है। तो मैं जल्दी से सारा सामान शिफ्ट कर लेता हूँ, फिर एक ही दफा इसको वहां पे शिफ्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यार चीज़ें मैंने सारी इसके अंदर लगा ली हैं, जल्दी से अब मैं इसको LED के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, ड्राइवर्स वगैरह कर लेता हूँ, सब कुछ होके करके फिर हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। 2000 years later। तो यार आपको मैंने बाकी सारी स्पेसिफिकेशन बता दी थी, लास्ट में एक बार फिर बता दूंगा। सबसे पहले PC हमारा ऑन हो गया है, मैं इसमें सबसे पहले GTA 5 को ऑन कर लेता हूँ। GTA 5 ऑन हो जाए फिर हम उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ओके, तो गेम हमारी ऑन हो गई है और जो ग्राफिक्स में सेट करने वाला हूँ वो आप लोग चेक कर लो। और ये मैंने इसके ग्राफिक्स सेट कर दिए हैं। अब हम लोग चेक करते हैं FPS कितने आ रहे हैं। ओह बहुत सही ऊंची है वैसे इस PC की। ओ हो, तो यार गेम काफी स्मूथ चल रही है। और अभी मैंने 1280x1024 पे किया है, उसके साथ इसके FPS जो है वो 70 तक आ रहे हैं। और अगर मैं उसके रेजोल्यूशन कम कर दूंगा तो ग्राफिक्स और ज्यादा हो जाएंगे। इनको भी हम लोग अपनी ये हमें फजूल की आवाजें निकालती है, इसके बंदा कान के नीचे बजाय और कठोर अंदर तो हो रहे सारे।
तो यार गेम अच्छी चल रही है, थोड़ी थोड़ी हमने सारी गेम चेक करनी है, इसको मैं कर लेता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई हम अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ जो के है टेकन सेवन। मैं टेकन सेवन को ऑन कर लेता हूँ, टेकन सेवन ऑन हो जाए फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ। ओके गेम हमारी ऑन हो गई है और FPS थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन खेल के चेक करते हैं क्या हिसाब है। ओ हो, ओके तो एक राउंड हमने मार दिया, गेम अच्छी चल रही है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि लोकल चल रही है। ओके गेम हमारी बड़ी जबरदस्त चल रही है, इसको मैं कर देता हूँ बंद क्योंकि अभी हमने मजीद और भी गेम्स जो है वो अपने PC के ऊपर चेक करनी है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ऑन कर लेता हूँ भाई हिटमैन 2 को, हिटमैन 2 ऑन हो जाए फिर मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। तो गेम हमारी ऑन हो गई है, गेम के FPS कम आ रहे हैं और कार्ड जो है वो हीट अप हो रहा है। गेमिंग के लिए ये जो कार्ड है मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा खास है क्योंकि ये रेंडरिंग के लिए अच्छा है। गेम्स तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि गेम जो है ये वाला जो कार्ड है वो कैसा सपोर्ट करता है। तो आपके सामने ही है, स्टार्टिंग में कार्ड थोड़ा ठंडा रहा, अगर आप किसी अच्छी एनवायरनमेंट में गेम खेलते हैं तो कार्ड अच्छा चलेगा, नहीं तो FPS जो है वो ज्यादा ही आएंगे। अभी तो कार्ड जैसे हीट अप हुआ हुआ है, हीट अप से मुराद है इसका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है तकरीबन 80 के राउंड, वो 80, 82, 83, अब 60 FPS आ रहे हैं। गेम अच्छी चल रही है और FPS कम नहीं है लेकिन गेम चल रही है, आप खेल सकते हो। इसको मैं कर लेता हूँ बंद। ओके तो अब मैं ऑन कर लेता हूँ भाई टॉम राइडर को, एक हम स्टोरी मोड भी गेम चेक करें इसमें सपोर्ट करती है नहीं करती। गेम ऑन हो जाए फिर मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। ओके यार गेम हमारी ऑन हो गई है और कार्ड थोड़ा सा हीट अप है लेकिन उसके ऊपर आप चेक करो कि गेम जो है वो चल रही है और FPS थोड़े कम आ रहे हैं लेकिन ये डिफॉल्ट ग्राफिक्स के ऊपर चल रही है, जिस ग्राफिक्स पे गेम वर्क करती है उस ग्राफिक्स के ऊपर चल रही है। अभी हम चेक करते हैं। वहां तक पहुंचना ही नहीं है इसने। खैर इसको मैं कर देता हूँ बंद। ओके तो अब मैं ऑन कर लेता हूँ अमेजिंग स्पाइडरमैन को, अमेजिंग स्पाइडरमैन ऑन हो जाए फिर हम चेक करते हैं कि इस कार्ड पे वो गेम कैसी चलती है। ओके गेम हमारी ऑन हो गई है, अब हमारा स्पाइडरमैन जो है ना इनको मारेगा आके नीचे। ओके तो इसके अंकल बैन को कल मार दिया था। ओके जी फोटो मैंने खींच ली है। ओ वो 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 चलो ए कुड़िया ना ए औरतां जिथे आंदियां ने मसला ही कर दिया ने। तो यार गेम अच्छी चल रही है, इसको मैं कर लेता हूँ बंद। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ, मैं बैटमैन को ऑन कर लेता हूँ, बैटमैन ऑन हो जाए फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ। ओके गेम हमारी ऑन हो गई है और ओ देखो गलत गलत मार। और देख
चाचा चौधरी को भी मारेगा। कह रहे उस तरफ जा। ओ बंदे ओए ओके जी, तो आपके भाई ने सारों को मार दिया, गेम अच्छी चल रही है, इसको मैं कर लेता हूँ बंद। ओके यार, अगर अब मैं इस पीसी की बात करूं, गेम्स जो थी वो आपको दिखाना, वो वैसे मैंने दिखाई है। ये जिस भाई को चाहिए, उन्होंने काम करना है रेंडरिंग का, और आपको पता है एनवीडिया के कार्ड रेंडरिंग में अच्छे होते हैं। और ये कार्ड मैंने प्रीमियर प्रो के लिए एक बंदे से पूछा, उसने कहा प्रीमियर प्रो इस पे चल जाता है, रेंडरिंग में थोड़ा सा टाइम लगाता है लेकिन चल जाता है। गेमिंग इसलिए आप लोगों को चेक करवाइए ताकि अगर आप लोग ये कार्ड कभी बाय करते हो या कहीं से भी लेते हो तो उसके अंदर आपको कैसी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकती है। कि अगर आप सोच रहे हो कि यार ये कार्ड मैं ले लूं तो गेम भी कर लूंगा और रेंडरिंग भी कर लूंगा, तो आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो भाई ये कार्ड्स गेम के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो आप गेम के लिए परचेज नहीं कर सकते। बाकी जो परफॉर्मेंस थी वो आप लोगों के सामने थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी मैंने क्या आप लोगों को दिखाना था। बाकी भाई को देंगे अगर उन्होंने गेम्स नहीं करनी, जैसे अब मैंने गेम्स बंद कर दिए तो जो कार्ड का टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, पहले काफी ज्यादा गर्म हो रहा था, अब ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। जो मैंने फैन ऑन किया हुआ था MSI में वो भी आहिस्ता ऑटोमेटिक जो है ना वो कम हो गया, शोर जो है वो कम हो गया। तो आज की वीडियो में हमें ये एक्सपीरियंस हो गया कि हमें क्वाड्रो का 4000 जो कार्ड है वो रेंडरिंग के लिए काम करेगा, गेम्स के लिए नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अब एड्रेस डाल देता हूँ, तो अगर आप में से कोई भी शॉप पे आना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसको एड्रेस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।